रामायण के सात कांड है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक, बाल कांड से क्या सीखने को मिलता है। बालक प्रभु को प्रिय है क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन एवं प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी जो अपना हृदय निर्दोष निर्विकारी बनाए रखता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। बालक जैसा निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखने पर ही राम के स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सरलता का आगमन संयम एवं ब्रह्मचर्य से होता है। बालक की भांति अपने मान अपमान को भूलने से जीवन में सरलता आती है। बालक के समान निर्मोही एवं निर्विकारी बनने पर शरीर अयोध्या बनेगा, जहां युद्ध वैर ईर्ष्या नहीं है, वही अयोध्या है। दो, अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है और यही इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकारी बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम, अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता इसी में दिखाई देती है। अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसका घर अयोध्या बनता है। कलह का मूल कारण धन एवं प्रतिष्ठा है। अयोध्या कांड का फल निर्वैरता है। सबसे पहले अपने घर की ही सभी प्राणियों में भगवत भाव रखना चाहिए। तीन, अरण्य कांड मनुष्य को निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से वासना नष्ट होगी। बिना अरण्यवास अर्थात जंगल के जीवन में दिव्यता नहीं आती। एल रामचंद्र राजा होकर भी सीता के साथ वनवास किया। वनवास मनुष्य हृदय को कोमल बनाता है। तप द्वारा ही कामरूपी रावण का वध होगा। इसमें सूर्नखा अर्थात मोह एवं शबरी अर्थात भक्ति दोनों ही है। भगवान राम संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाओ। चार, किष्किंधा कांड से मनुष्य निर्विकार एवं निर्वैर होगा, तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मैत्री का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रय लेगा तभी उसे राम मिलेंगे। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम नाम का जप करने से है। जिसका कंठ सुंदर है उसी की मित्रता राम से होती है, किंतु उसे हनुमान यानी ब्रह्मचर्य की सहायता लेनी पड़ेगी। पाँच, सुंदरकांड जीवन को अति सुगम और सरल बनाता है। जब जीव की मैत्री राम से हो जाती है तो वो और भी सुंदर हो जाता है। इस कांड में हनुमान को सीता के दर्शन होते हैं। सीता जी पराभक्ति है, जिसका जीवन सुंदर होता है उसे ही पराभक्ति के दर्शन होते हैं। संसार समुद्र पार करने वाले को पराभक्ति सीता के दर्शन होते हैं। लव ब्रह्मचर्य एवं राम नाम का आश्रय लेने वाला संसार सागर को पार करता है। संसार सागर को पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ जाती है। अच्छे रस ही सुरसा है। नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। संसार सागर पार करने की कामना रखने वाले को जीभ को वश में रखना होगा। जहाँ पराभक्ति सीता है वहाँ शोक नहीं रहता, जहाँ सीता है वहाँ अशोक वन है। छह, लंका कांड से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन भक्तिपूर्ण होने पर राक्षसों का संहार होता है। काम क्रोधादि ही राक्षस है। जो इन्हें मार सकता है वही काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को इधर उधर करने पर होगा का। काल सभी को मारता है एल, किंतु हनुमान जी काल को भी मार देते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पराभक्ति का दर्शन करते हैं। सात, उत्तर कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कांड में काकभू सुंडी एवं गरुड़ संवाद को बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें सब कुछ है। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं होगा तब तक उत्तर कांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो काम रूपी रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वृद्धावस्था में राज्य करता है। जब जीवन के पूर्वार्ध में युवावस्था में काम को मारने का प्रयत्न होगा तभी उत्तरार्ध उत्तरकांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए।
जब इतनी सुंदर सीख मिलती है रामायण से तो सभी भक्तों को रामायण का पाठ करना चाहिए और जीवन को सुगम बनाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है जो अधिकतर मनुष्य जानते हैं कि जब भी कोई मन कर्म वचन से रामायण पाठ करता है तो भक्त हनुमान जी स्वयं कथा सुनने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं, जिससे पाठ करने वाले साधक को श्री सीताराम के सानिध्य के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्ति होती है।